उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर कोतवाली टांडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्तगढ़ को संभावित स्थान पर दबिश देकर धर्मनगर ओवरब्रिज टांडा जनपद अंबेडकर नगर से गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित कर घटना बीते रात्रि 11 बजे गुफरान पुत्र अमजद अली द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी कि सलाउद्दीन नामक व्यक्ति द्वारा मेरे गले पर चाकू से वार कर दिया गया। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा गुफरान को अस्पताल भेजा गया। सलाहुद्दीन नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी टीम गठित कर एकता मैदान थाना टांडा में एक शव प्राप्त हुआ। के पेट पर चाकू के निशान थे। तत्पश्चात पुलिस द्वारा आसपास व ग्रामीणों ने जानकारी करने पर उक्त शव को पहचान सलाउद्दीन के रूप में हुई। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद अम्बेडकर नगर थाना टांडा अंतर्गत पुलिस के पास कल रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास एक गुफरान नामक लड़के ने आकर सूचना दी कि उसके गले पर उसी के एक मित्र सलाउद्दीन ने चाकू से वार किया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा उसे तत्काल मेडिकल हेतु भिजवाया गया तथा इस लड़के सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हेतु टीमों को निकाला गया। आज प्रातःकाल पुलिस की टीमों को एकता मैदान के पास में एक शव बरामद हुआ जिसके पेट पर चाकू के निशान थे और उसकी पहचान सलाउद्दीन के रूप में हुई। इस मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए जब पुलिस से गुफरान तथा उसके अन्य दो साथी उनसे पूछताछ की गई जो क्रमशः सादान और गोलू हैं तो उनके द्वारा फिर ये सारी बात बताई गई है अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में कि उधार के पैसे लेने की बात के विवाद को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था जिसके बाद इनके द्वारा चाकू से सलाउद्दीन पर हमला किया गया था जिसमें सलाउद्दीन को चोट लगने के बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के दृष्टिगत थाने पर आकर इस प्रकार की भ्रामक सूचना प्रदान की थी। पुलिस द्वारा इस घटना में जो तीन अभियुक्त इन्वॉल्व हैं उनको अपनी गिरफ्त में लेकर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्ण की कर ली गई है तथा सारी अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।